और शुरुआत कर रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। निर्भया के दोषियों की फांसी का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने परिवार को पत्र भेजकर आखिरी मुलाकात करने को कहा है। 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने की सूचना भी दी गई है। तिहाड़ जेल में बंद दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी हो चुका है और जेल प्रशासन ने एक दिन पहले आखिरी इच्छा भी पूछ ली है, लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से जवाब नहीं मिला है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अब तक जो ये असमंजस की स्थिति थी, क्या वो साफ हो गई है? क्या 1 तारीख को इन चारों दोषियों को फांसी की सजा मिल जाएगी? सबसे पहला सवाल। मुझे ये लग रहा है कि असमंजस की स्थिति तो जस की तस है, लेकिन चूंकि अगर 1 तारीख की डेडलाइन है, जो 1 तारीख की डेडलाइन वाकई है, उसके पहले जो खाना पूरी होती है वो खाना पूरी तो करनी पड़ेगी। अगर 31 तारीख को या ये पता चलता है कि नहीं, सारी चीजें कोई ना कोई एप्लीकेशन इनकी पेंडिंग है कहीं भी, तो फिर वो जैसे पिछली तारीख टली थी वैसे वो तारीख टल जाएगी, लेकिन उसके पहले सारी खाना पूरी तो करनी पड़ेगी। अगर 100 नोट की गड्डी में 2 नोट कम है तो आपको 97-98 तक गिनना पड़ेगा, उसके बाद ही 2 नोट की कमी का पता चलेगा। वही स्थिति यहाँ भी है, ये खाना पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि 1 तारीख डेडलाइन है अभी तक की। अगर उस समय अदालत में ये बता देते हैं कि हमारी फलाना फलाना जगह एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उनकी फांसी टल जाएगी, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति तो अभी तक यही है कि फरवरी में फांसी, मार्च में मौत या मामला उससे भी आगे जाएगा, यानी जस का तस खड़ा है। शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। बात अब दिल्ली की करते हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव में मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा फंस गए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कपिल मिश्रा को नोटिस थमा दिया है, लेकिन सियासी जुबान है कि गलती मानती नहीं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने सच बोला है, अपने सत्य पर पूरी तरह से अडिग हूं। जब मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा है कि वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, तो उसका जवाब पूरी दिल्ली की जनता दे रही है। शाहीन बाग जैसे गुंडों, शाहीन बाग जैसे आतंकी मूवमेंट जो जबरदस्ती हमारे ही संविधान का फायदा उठाकर हमें ही अपना गुलाम बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, चारों तरफ से दिल्ली को बंद कर देने की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको जवाब देना जरूरी है और हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जवाब देंगे। आज इस शहर के अंदर मिनी पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। शाहीन बाग में एक भीड़ ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है, दिल्ली यूपी का बॉर्डर बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं जा सकते, लोग अपने दफ्तर नहीं जा सकते। उसी शाहीन बाग को चांदबाग में दोबारा क्रिएट किया जा रहा है। चांदबाग में 10,000 लोग कल रात को सड़कों पर निकले हुए थे कब्जा करके, आसपास के सारे इलाके में दहशत का माहौल था, इंद्रलोक में वैसा ही माहौल किया गया। तो आप ये सोच रहे हैं कि एक भीड़ सड़कों पे निकल रही है और चौक चौराहों पे कब्जा करती चली जा रही है, भारत की संसद का कानून मानने से इनकार कर दिया है, पुलिस वालों को मारने की बातें की जा रही हैं, बसें इस शहर के अंदर जलाई जा रही हैं और राजनीतिक पार्टियां 5-5 लाख रुपए के इनाम बांट रही हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं। अगर तुम शाहीन बाग के साथ खड़े हो तो तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो, ऐसे मिनी पाकिस्तान दिल्ली में क्रिएट नहीं करने दिए जाएंगे। कौन कपिल मिश्रा? एक आम आदमी पार्टी के। क्या कहा है उन्होंने? पाकिस्तान होगा 8 फरवरी को। बीसीसीआई में चले गए क्या वो? मुझे पता नहीं है।